साइंटिफिक रीजन डिस्कस करेंगे और इसको जरा मैं तेज लेके चलूंगा। डिटेल्ड आंसर इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसके मेन फैक्टर जिस पे ये डिपेंड कर रहा है ये डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, व्हाई वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर एवोपरेट्स रैपिडली देन सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्लास। ग्लास के अंदर पानी मौजूद है, वो धूप में रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो इतनी जल्दी एवोपरेट नहीं होगा, लेकिन अगर उसको आप फर्श पे छिड़क देंगे तो वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। तो इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह ये है सरफेस एरिया। तो जब आपने पानी को स्पिल कर दिया उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और वही वाटर जो ग्लास के अंदर मौजूद है सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब है रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा। ये दूसरा रीजन है व्हाई फूड स्पॉइल्स रैपिडली इन समर एंड और मिल्क सॉर्स रैपिडली इन समर। वजह बता दें कि गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है या दूध जल्दी खट्टा हो जाता है, इसकी वजह क्या है? तो वजह है टेम्परेचर। फूड को खराब करने के लिए आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को खराब करते हैं जी। जब टेम्परेचर गर्मियों के अंदर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड बढ़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फूड जल्दी खराब हो जाता है। यहाँ एक बात और भी लिखी हुई है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। अगला सवाल है जी, व्हाई फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्ग टाइम फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। कि अगर आपको किसी खाने को ज्यादा अरसे महफूज रखना है तो इसके लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों रखते हैं? टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और हम ये जानते हैं जी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब आप खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो उसकी वजह से जो खाने के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर के गिरने की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटीज भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से खाना काफी अरसे महफूज रहेगा। तो टेम्परेचर को कम करके आपने बैक्टीरियल एक्टिविटीज को क्या कर दिया, सीज कर दिया। ये अगला सवाल है आपके पास, द रिएक्शन बिटवीन NO NO2 इज फास्टर देन CO NO2। ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा, इसकी वजह क्या है? नेचर। जो पहले वाले रिएक्टेंट है NO NO2, इनकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम है, तो इनका रिएक्शन रेट क्या होगा, फास्ट होगा। जो दूसरे वाले रिएक्टेंट्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इनका रिएक्शन स्लो होगा। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाई रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की वजह से रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ जाता है जी? तो ये आप जानते हैं जी कि जब आप नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ कोलिजन के बढ़ने की वजह से चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, और चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के बढ़ने की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ये अगला सवाल है हमारे सामने, व्हाई HCl रिएक्ट्स रेडली विद पाउडर जिंक देन द पीसेस ऑफ जिंक। कि अगर HCl का रिएक्शन जिंक के चूरे से करवाया जाए, पाउडर से करवाया जाए, तो ये रिएक्शन रेडली का मतलब है तेज होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन जिंक के पीस से, जिंक के टुकड़े से करवाया जाए, जिंक की स्ट्रिप से करवाया जाए, तो ये रिएक्शन स्लो होता है। इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह सरफेस एरिया है, कि जिंक का जो पीस लिया उसका सरफेस एरिया क्या है जी, कम है। लेकिन अगर आप उसी को बारीक बारीक पीसेस के अंदर पाउडर कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा साइट्स अवेलेबल होंगी कोलिजन के लिए, जिससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगी और इसी वजह से रेट भी बढ़ जाएगा।
लिखा है व्हाई इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड ग्लिसरीन स्लोस डाउन द केमिकल रिएक्शन, कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन को ग्लिसरीन स्लो करता है, बताइए क्यों? वजह है कि ग्लिसरीन इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट ऑल्टरनेटिव लॉन्ग पाथ प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देता है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज होने की वजह से रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाई कंबशन ऑफ गैसोलीन इज फास्टर इन क्लोज इंजन, यानी बंद इंजन के अंदर, यानी आप ये बताया जा रहा है कि इंजन को बंद क्यों रखा जाता है, इंजन खुला क्यों नहीं होता जी, तो उसकी वजह। और लिखा है जी कि गैसोलीन जो कंबस्ट होती है वो फास्ट होती है, गाड़ियों में जो गाड़ियों का जो इंजन होता है वो बिल्कुल पैक होता है, और पैक होने की वजह क्या होती है कि जो इंजन होते हैं उसके अंदर जो गैसोलीन होती है, जो आपका फ्यूल होता है, वो कंबस्ट होता है। तो इसकी कंबशन को जितना फास्ट रखेंगे उतना ज्यादा इंजन एफिशिएंट वर्क करेगा। तो इंजन को इतना क्लोज क्यों रखा जाता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है जी। तो व्हाई कंबशन ऑफ गैसोलीन इज फास्टर इन क्लोज इंजन, कि क्लोज इंजन के अंदर गैसोलीन की कंबशन तेज क्यों होती है, तो इसका जवाब है टेम्परेचर। जब आप जो इंजन है वो क्लोज होता है, तो क्लोज होने की वजह से जो उसका इंटरनल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और आप जानते हैं जी जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और पेस ऑफ कोलिजन के बढ़ने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग हीटिंग ऑफ H2NO2 results in no effect, बहुत देर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को हीट करते रहे कोई कुछ नहीं होने वाला, रिएक्शन नहीं होगा, वॉटर नहीं बनेगा। आगे लिखा है बट वेन वेपर्स ऑफ बोथ पासिस थ्रो प्लैटिनम वायर गॉज इट ब्रस्ट इन टू फ्लेम, लेकिन जब इन दोनों को हीट किया जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट करके प्लैटिनम के ऊपर से गुजारा जाएगा, तो ब्रस्ट इनटू फ्लेम का मतलब है जी कि रिएक्शन हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। वजह क्या है, तो वजह है कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव कर रहा है, और प्लैटिनम इस रिएक्शन के अंदर क्या है जी, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट नहीं हो सकता, इस रिएक्शन को करवाने के लिए कैटलिस्ट देना लाजिम है जी, और कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देगा, और ये रिएक्शन वक्ू पजीर हो जाएगा। विदाउट कैटलिस्ट इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी हाई है जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अटेन नहीं हो सकती। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जवाब है दे डिपेंड्स अपॉन द रेडिएशन, these are the reaction that is independent of concentration of reactant, ye wo reaction hai jo sunlight ki ya light ki intensity pe depend karte hain, aur ye concentration pe kyunki depend hi nahi kar rahe, iska matlab ye hai ki jab rate expression likhi jayegi to concentration ki jo power lagayi jayegi wo zero lagayi jayegi, iska matlab hai these reactions are independent of concentration of reactant, so they are categorized as zero order reaction। अगला सवाल है why reaction slows down as it proceeds forward, मैंने भी लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है कि केमिकल रिएक्शन जब आगे बढ़ता है तो रिएक्शन स्लो हो जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो ये रेट लॉ आपको बताती है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की तो जो रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब रिएक्शन आगे जाएगा तो आप क्या कह रहे हैं जी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो जब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और रेट लॉ क्या कह रही है कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, इसलिए रिएक्शन स्लो होता जा रहा है। जितना हम आगे जाते जा रहे हैं रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। ये अगला सवाल है जी व्हाई सम रिएक्शंस आर फास्ट एंड अदर्स आर स्लो, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं,
इसकी क्या वजह है? तो जवाब है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये उनकी फितरत है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है, और अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उनकी ज्यादा होगी तो वो रिएक्शन क्या होंगे? स्लो होंगे। और अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम होगी तो वो रिएक्शन क्या होंगे? फास्ट होंगे। ये सारे के सारे रीजंस आपकी किताब